और टाइकी ऊपर, फिर जीवागेर। अच्छा, ये डी के एरिया कहलाता है। हाँ जी, डी के एरिया, डी के बहादुर मिस्टर डिक्सिट। डी के एरिया में कौन कौन से मतलब? हाँ, चीफ हाउस, असेंबली हाल, मिनिस्ट्री, शॉपिंग सेंटर, सर वो डी के एरिया में है। इसमें कितने एरिया खुदाई हुई है? 10% खुदाई हुई है। नहीं, डी के एरिया कितने? डी के एरिया है, ये डी के एरिया है जो भी इनके बड़े लोग थे, अमीर तरीन ऑफिसर रैंकिंग वगैरह। ये कुआ है जिसकी गहरी खुदाई है, इनमें हर साल जून जुलाई में पानी आता है। जब दरिया में पानी आता है ना, हाँ, यहाँ भी ऑटोमेटिक सैलाब निकल आता है। ये क्या है? ये गली है इनकी आगे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये कुआ है। ये सारा डीके एरिया है, ये सारा डीके एरिया है। और उसमें बड़े सिस्टम रखे हुए हैं सर, इसे हवाओं के क्रॉस रखे हुए, किसी गली से, किसी दीवार से, कोने में भी आप खड़े हो जाएंगे आपको हवा लगेगी और ठंडी हवा लगेगी, ऐसे क्रॉस रखे हुए। इसे ये जो भी एरिया उन सब सारे एरियाओं से, ये डी के एरिया जो है ज़मीन के लेवल से भी नीचे है। अच्छा, क्यों? जी हाँ, क्योंकि इसलिए ये तो इनकी जो ग्राउंड लेवल थी वो कुछ पहले जो खुदाई की थी वो कुछ और भी नीचे था। हाँ, फिर हमारे माहरों ने कुछ इसमें मिट्टी डाली आगे एरियाओं की, और कुछ बाहर से मिट्टी निकाल के बरसात का निकासी का सिस्टम बनाया था। यहाँ अटैच में लेटरिन अटैच, बाथरूम, हर चीज़ अटैच, स्टोर जो अभी हम अटैच बनाते हैं तो कहते हैं नया सिस्टम क्या। हाँ हाँ, वो तो हमें यहाँ 5000 साल पुराना यहाँ कायदर अटैच वाशरूम वगैरह। हाँ, वहाँ चलते हैं, वो चीज़ आपको दिखाते हैं। जैसे तो ये हर एरिया पे एक टीला छोड़ा है सर, जैसे ये रखा है। हाँ, ये भी खुदाई से पहले सारे ऐसे मिट्टी के टीले थे। अच्छा, फिर जैसे अभी छोटी छोटी थोड़ी थोड़ी सी दीवारें नजर आती है, फिर खुदाई की मिट्टी हटाई, जो मटेरियल मिला उन्हीं के अंदाजों के हिसाब से नाम रखे गए सर। ये दोनों अटैच है, ये अटैच जी हाँ, ये आगे उनकी ड्रेनेज का सिस्टम। अच्छा, ये ड्रेनेज का सिस्टम है। जी ये इस तरफ कुआं है, ये ड्रेनेज है, वो कुआं इस तरफ जो ऊपर गोल है। हाँ, ये क्योंकि उसी दौर तक कुएं होते थे, जैसे अभी हम पाइप वगैरह लगाते हैं, मोटर लगाते हैं, ये कुएं से पानी इस्तेमाल करते थे। अच्छा, ऊपर कुआं है। हाँ जी हाँ सर, ऊपर चढ़ने की जगह भी नहीं है। कुएं, ये इनकी गलियां है, ये इनकी ये गली है, ये इनकी गली है घूमने में फिरने में। बाकी आगे इसकी मेन शॉपिंग सेंटर उनके आगे है, वहाँ भी चलते हैं, वो भी सिस्टम। ये क्या है? ये भी इनके रूम से ऐसे। अच्छा, ये तो ऊपर, ये जरा मैं ऊपर चढ़ रहा बादशाह तो नहीं था उनका, कोई सरदार था या बड़ा था? हाँ, किंग था, बादशाह था। ये शेट के शेट किस लिए किया हुआ है? किंग था उनका। अच्छा, जो भी इनका बड़ा था। अच्छा, उनका ये रूम से, और इसको क्यों है जो, क्योंकि डबल दीवार है। अच्छा, बाहर से पक्की ईंटों का है, अंदर से कच्ची ईंटों का। अच्छा, जिससे गर्मी में ठंडा रहे, ठंड के मौसम में नॉर्मल रहे। अच्छा अच्छा, ये पक्की दीवार है, बाहर से पक्की है, अंदर से कच्ची ईंटों की है। अच्छा, अंदर से कच्ची ईंटों की दीवार, डबल दीवार, जैसे अभी हमारा एसी वगैरह का सिस्टम होता है। हाँ हाँ, ये इनका अपना सिस्टम था, किसी एसी की, किसी बिजली की इनकी जरूरत नहीं होती थी, ये अपने सिस्टम पे रहते थे, आप हवा पे अपने बनाने के सिस्टम। मतलब बाहर पक्की दीवार, अंदर कच्ची दीवार। हाँ,
जैसे बाहर से बरसात वगैरह पे नुकसान ना जाए और अंदर से जैसे वो ठंडी भी रहे। ये गलियां हैं साफ सुथरी। ये कुएं है। कुएं, अच्छा। इसमें डी के एरिया में जो भी हमें कुएं मिले हैं, हाँ। ऐसे मिले हैं पिलर जैसे, हाँ। क्योंकि ये डबल पिलर होती थी और डबल पिलर ऊपर वाले पानी भर के फिर नीचे लाते थे और ये ऊपर से पानी का छत से निकासी का सिस्टम था। अच्छा, डबल स्टोरी। डबल स्टोरी, ये उनका निकासी का सिस्टम है। इसलिए क्योंकि उनको धूप भी न लगे, गर्म हवाएं भी न लगे, पानी ठंडा रहे। अच्छा, हर कुआं कमरे, कमरे में अंदर और टंकी के तौर पे इस्तेमाल है। टंकी के तरफ ही इस्तेमाल। और ये ड्रेनेज सिस्टम है सारा, ये ऊपर छत से इनके ड्रेनेज का सिस्टम था सर। ये भी गली है इनकी, इनमें बड़ी ठंडी हवा लगती है। अच्छा, ये सारा ये देख रहे हैं। अब कहीं भी आपको हवा नहीं लगेगी, लेकिन इस गली में आप खड़े होंगे तो आपको महसूस होगा कोई हवा हमें लग रही है और ठंडी हवा लगेगी आपको। हवाओं के किरा से खिड़की आएंगे। ये दो मंजिला घर नहीं है? हाँ, दो मंजिल, वो तो कहा ना डबल फ्लोर। ये सब कुआं है जो गोल गोल से। ये भी बादशाह का महल है ये वाला। अच्छा। ये सारी मोहनजोदड़ो में ऐसी कंडीशन वाला घर ये मिला है। सर्दियों में यहाँ रहते थे, गर्मियों में वहां रहते थे। अच्छा अच्छा सर। ये दोनों तरफ से हवाओं के ग्रास रखे हुए, देखे ना, ऊंची ऊंची दीवार है लेकिन आपको हवा लगेगी। ये दोनों तरफ से खुले है। ये छोटा कमरा क्या है? हाँ, ये भी छोटा कमरा है इनका। ये भी कोई अटैच वगैरह है? ये रूम से इनका ये अटैच है, अटैच वाशरूम। अटैच वाशरूम है ये? अच्छा, हाँ। अच्छा अच्छा अच्छा। इसी रूम का वो ही अटैच, ये अटैच वाशरूम है इस रूम का। और इसमें हवा का भी निजाम है। हवाओं की गिरास रखी इस तरह से अटैच है। स्टोर, स्टोर भी फालतू चीजें होती है किसी अलग कमरे में होती है। बीमार वगैरह आया तो फिर निकाले भाई इस्तेमाल करें, नहीं तो एक साइड में रखे हुए। सही। ये भी अंदर आने जाने की गली है, जैसे वहां से चला था। हाँ। हम यहाँ से घूम के आए, यहाँ से कोई अबू के या किसी बड़े के मेहमान है, हाँ। आने जाने पे डिस्टर्ब होते हैं, वो भी रास्ता था अंदर कमरे में आने जाने का वहां से। देखिए हवा के सिस्टम कैसे रखे है, महसूस हो रही है हवा, ठंडी हवा। हवा आ रही है। ये डस्टबिन है सर, ये डस्टबिन है बाहर कचरा, मतलब किचनदार। ये भी देखे प्लीज। हाँ। ये हवाओं के किरास छोड़े। अच्छा अच्छा, जैसे अच्छा। मिला गया कि हवाएं नहीं जाएगी, लेकिन हवा किसी की बंद नहीं करनी भाई, हवा का किरास छोड़ना। हाँ। है ये अच्छा, दोनों तरफ से उन्होंने ये हवाओं के किरास छोड़े, मतलब ये किरास है हवा का। ये सारे अटैच वाशरूम है। हाँ। ये जो अटैच हवा दिखाया ना जैसे रूम पे अटैच, ये भी कुआ है। इनकी भी मशहूर चीज़ें, ये इनका सिस्टम है। ये भी देखे कमरे में, ये जो भी कुआ मिलेगा अंदर कमरे में मिलेगा। सारे कुएं कमरे के अंदर है। ये क्या चीज़ है? ये पिलर से जैसे आगे अच्छा। दीवार आ रही है किसी कमरे के, बिल्डिंग के पिलर से दोनों। यहाँ कहते थे सारे गवर्नमेंट चलाने का यहाँ सिस्टम था, ये इस तरफ से। अच्छा। ऑफिस वगैरह होती थी चीफों की, मिनिस्टरों की, जो भी गवर्नमेंट का सिस्टम चलाते थे। आगे किचन है तंदूर के नामों ने, जैसे कुआं होता है ना। हाँ। बीच भाग जला के फिर साइड। हाँ। में वो किधर है, नजर आता है वो? हाँ जी हाँ, आज तक ये तंदूर कहते हैं,
हाँ तक भी कहीं कहीं लाइनों में जो होटल वगैरह होते हैं उनमें यही सिस्टम है। अच्छा, रोटी पकाने का मतलब किचन सिस्टम है, रोटी पकाने सिस्टम। जी हाँ। किधर है वो? ये उनकी गली है, ये गली साफ सुथरी गली, किचन में नहीं जाने का, भाई चलो खाना लगाए। ये उनके बर्तनों के, बर्तन के ये रखने के कमरे, कुक के आज के कमरे। अच्छा, ये तंदूर है सर, इसी हालत में मिला था ये? हाँ जी हाँ सर। ये अटैच है कोई चीज? ये आगे रूम से, ये अटैच है भाई, आटे रखने का या जो भी खाने अच्छा, पीने की चीजें, खाने पीने के लिए रखने की, ये उनके सारे किचन का ही सिस्टम है। ये सब कमरे हैं? हाँ, ये इनके ये बताया ना जी, वगैरह ये वो, ये सारा डीके एरिया है? डीके एरिया है ये, खान बहादुर दीक्षित नारायण के नाम पे है। ये भी कुआं है, ये भी देखिए अंदर पिलरों में बंद है दीवारों में। वो क्या सारा वो एरिया? हाँ, वो किचन के इनके थे। अच्छा, जो भी अच्छा। कुक वगैरह ये जो भी रहते थे उनकी, ये तो अभी हमने सपोर्ट दिया है। हाँ, दीवारें गिर रही होंगी ना, हम कोशिश करते हैं जितना बचा है इनको बचाते हैं, ओरिजिनल चीजें हैं। ये सब कमरे और गलियां, मतलब ये दिए रखने की, जैसे लाइट हम जलाते हैं गली में, दिया रखो भाई घूमने फिरने में कोई रोशनी का इंतजाम, रोशनी का। ये गली है, ये हॉल लग रहा है कोई, ये हॉल है, ये इस तरफ गली है, इस गली के जो इस तरफ रूम्स नजर आते हैं ये सारे इस तरफ फैमिली वगैरह मकान थे, इस तरफ जो है वो सारे इनके शॉपिंग सेंटर थे। अच्छा, वहां से माप तोड़ने वाली चीजें मिली है। अच्छा। ये जैसे आपने कहा तो ये गोदाम था, दुकान से चीजें कोई खत्म हो गई तो फिर गोदाम से उठा के भाई वहां से गोदाम है ये। हाँ जी, कमरे हैं, ये सारे इनकी दुकान है सर, दुकान है, ये सारा शॉपिंग है, शॉपिंग है इनकी। ये मेन स्ट्रीट है सर इनकी, मेन स्ट्रीट। अच्छा, बड़ी स्ट्रीट है, बड़ी स्ट्रीट है, ये इनकी मेन गली है। जो भी आगे खुदाई हुई है उनके बीच में ये गली जाती है, लेकिन आगे इसकी खुदाई नहीं है, सिर्फ 10% खुदाई हुआ है। अच्छा अच्छा, वो आगे फिर दरिया कच्ची जमीन आ जाएगी ना, दरिया। ये ऊपर क्यों बनाया हुआ? ये ऊपर चढ़ने के, क्योंकि खुदाई नहीं है ना नीचे, बस ऊपर हमने ये सीढ़ी बना के रास्ता बनाया है। ये आगे कहाँ जा रहा है? वो जो आगे एचआरबीए से जो उनके हुनरमंदों की राश है सर, वो वहाँ जा रहा है। वो उधर किसकी राश है? जो इनके गरीब हुनरमंद लोग। अच्छा अच्छा अच्छा, बर्तन बनाते थे या मजदूर तबके खेतीदार वगैरह, उनकी वहाँ राश। अच्छा अच्छा, उधर राश है इनकी। यहाँ किताब छपे हुए इनके? अच्छा, नहीं इधर है किताब? हाँ जी हाँ, किताब वापसी में दिखाएगी आपको। अच्छा जी, किसकी लिखी थी? सारे ऐसे अंदाजों के लिखे हुए। अच्छा अच्छा, बटीरल की तस्वीर, जगह का नाम। अच्छा, मटेरियल की तस्वीर, जगह का नाम। ये सारा एरिया जो है ना, इसके नीचे दबाव है, इसकी खुदाई नहीं है, जिसकी खुदाई नहीं है ना, 90% जो रहा हुआ, ये सारे रहा हुआ जो भी जंगल आते सारे आसार के ऊपर।
और किया है, ये है VS VS एरिया, ये बनाते थे बर्तन बनाते थे। अच्छा, ये सारा VS एरिया है, बर्तन बनाते थे, फिर बर्तनों पे। ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये मुनीर एरिया है। अच्छा अच्छा, ये भी आगे है। हाँ जी, चलो इस पे कभी बाद में जाएंगे। इस पे खुदाई हुई है? ऐसे खुदाई हुई, इनकी थोड़ी थोड़ी टुकड़ों में, बाकी ये इनका मुकम्मल है, वो मुकम्मल ही था, ऐसा नहीं है। अच्छा, ये हुनरमंद वगैरह इधर। ये VS एरिया, ये VS है, ये अंदर इसके वो नहीं है कुछ? हाँ, ये इनके बस राश के है रूम से। अच्छा, बाकी अंदर कुछ है वहाँ चलते हैं, वो दिखाते हैं सिस्टम आपको। अच्छा, ये क्या चीज है? ये यहाँ जो भी बर्तन, नए नए बर्तन बनाते थे ना, यहाँ रख पे उन पे ड्राइंग करते थे। अच्छा अच्छा, जैसे गुल छाप वगैरह छापते हैं, और ये इस तरफ वो जो काला टीला, वहाँ उनकी भट्ठी थी। अच्छा, भट्ठी थी बर्तन बनाने की। अच्छा, वहाँ बनाते, फिर इधर ये उनकी टैंकी है, ये इनकी जो वो धोबी वगैरह होते थे, खटरी वगैरह जो कपड़े पे कलर करते हैं, चेंज करते हैं, ये भी उनके टैंकी आए पानी की, या वो रथ पे मटके वगैरह पे ड्राइंग करते थे, उस पे छापते थे, डिजाइन वगैरह करते थे। अच्छा, ये डिजाइनिंग वगैरह हुनरमंद के सारे, हुनरमंदों के हिसाब से। आगे रास्ता है उतरने का, कहाँ से उतरना है? VS area. इसका बोर्ड लगा हुआ VS area का? HR. हाँ, HR. बोर्ड का बोर्ड लगा हुआ ना? लेकिन इसका वो नहीं है, ये दूसरा एरिया है। हाँ, ये दूसरा। इस पे कौन होते थे? ये भी यही लोग होते थे सारे, हुनरमंद। हाँ जी, यहाँ इनका सिस्टम है, पाइप लाइन मिली है दीवार में, जो अभी भी पूरी दुनिया तरक्की पे है। हाँ। दो चीजों से, एक पहिए से, दूसरी पाइप लाइन से। हाँ, पाइपलाइन भी पानी तेल पेट्रोल कहीं भी बटरा लगा पहुंचा सकते हो, और पहिया भी हमें शुरुआत मोहनजोदड़ो से मिला है सर। अच्छा, व्हील इधर से मिला है? पहिया व्हील यहाँ से मिला, पहिए के बैलगाड़ी का मिला। अच्छा, फिर उसमें तरक्की आई, भाई बेरिंग लगाया, मोटर लगाया, टायर लगाया, लेकिन बनाने की शुरुआत मोहनजोदड़ो से मिली है सर। अच्छा, ये सब इनके कमरे, इसी एरिया में जो बड़े था उनकी ये फैमिली का एक ही रूम है, ये गेट के निशाने, जब टाइम हमारा होता था तो ये गेट को बंद करते थे। इसी में है इसका पाइपलाइन। अच्छा, पाइपलाइन। हाँ, पाइपलाइन का निशान लगी हुई नीचे से, आप बैठ के देखेंगे ना, ये पाइपलाइन है। हाँ, इसमें अंदर पाइपलाइन है। वो क्या काम आती थी पाइपलाइन? ये जैसे ऊपर कोई इनका वॉशरूम था। अच्छा अच्छा, डबल फ्लोर के हिसाब से ये पाइपलाइन है। अच्छा, ये देख लो आप, बैठ के देखे, वो देखे वो पक्की मिट्टी, ये पाइपलाइन है, पक्की मिट्टी की पाइपलाइन है। ऊपर से कोई इनका वॉशरूम था, ऊपर
बाथरूम था, मतलब इधर पाइपलाइन सिस्टम भी था, नीचे इनका ड्रेनेज का था, जो ऊपर वाला पानी फिर नीचे ड्रेनेज। हाँ, कम मिले हैं बाकी रूम से। अच्छा, यहाँ एशार में एक रूम है जिसमें 14 ढांचे मिले हैं। अच्छा, सबसे ज्यादा मोह ज्यादा। हाँ, फिर उस रूम का भी दो नाम दिया क्योंकि इसकी लिखाई पढ़ाई नहीं पढ़ सके ना। हाँ, फिर दो नाम दिया, बैर का ये जेल था जो अस्पताल थी, क्योंकि इतने ज्यादा लोग एक ही रूम से मिले हैं, जहाँ मरीज थे जहाँ फंसे हुए थे। उसी लोगों की कुछ हड्डियों के टुकड़े हमारे म्यूजियम में रखे हुए हैं, और खुदाई दौरान अंग्रेजों ने तस्वीर निकाली थी 14 ढांचों की, वो भी हमारे म्यूजियम में लगी हुई है सर। ये सब क्या है इधर? हाँ, ये गलियाँ हैं आगे उनके रूम से, राश वगैरह के। ये सब कौन सा इलाका है? ये इशार का ही है। इशार जी। ये क्या हॉल है? क्या वो रूम है जिसमें 14 ढांचे मिले? अच्छा, यहाँ से उन रूम से 14 ढांचे मिले हैं। अच्छा, इस रूम से? इसी रूम से। फिर दो नाम दिया, भाई इनका ये जेल था या कोई इनकी अस्पताल थी, क्योंकि ज्यादा मुझे ज्यादा एक रूम से मिले हैं लोगों की ढांचे। यहाँ भी जो डांसर का जो मुजस्मा मिला है वो भी इसी एरिया से मिला है। अच्छा जी। सर, यहाँ एक कुआं है जिसको कहते हैं रस्सी वाला कुआं। अच्छा जी हाँ, क्योंकि उन ईंटों पे रस्सी के निशान है आज तक। अच्छा, जैसे एक जगह पे चलती है रस्सी तो वो ईंटों पे गांठ करती है ना। हाँ हाँ, पे अच्छा निशान हुआ है जो ये सामने है ईंटों पे। अच्छा अच्छा अच्छा, ये उसी वक्त की ईंटें हैं ये। हाँ जी हाँ, ये देखिए ये रस्सी के हैं, क्योंकि इनका कोई ऐसी चरखी जैसा था जैसे अभी भी थर्मे सिस्टम है। हाँ हाँ, पानी भरने का, जैसे वो पिलर से इन पे कोई इनकी चरखी रखी हुई थी, एक ही जगह पे वो चलता था तो वो रस्सियों के निशान आ गए सर। ये उस तरफ क्या है? नीचे भाई देखिए, आगे इसकी खुदाई नहीं है। अच्छा अच्छा, ये क्या चीज है? ये तो खुद बनाया हुआ, हमारा बना हुआ सर। पानी ये सारा एचआर है। हाँ, एचआर ये सारे इनके एचआर के। इस पर ओनरमन लोग रहते थे? हाँ जी हाँ सर, जो भी ओनरमन थे, खेतीदार मजदूर तबके वगैरह जो भी थे वो इसी यहाँ था। राश एचआर वीएस और ढकी हुई इधर जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किधर है? वो बात ही वो तो अभी आप आगे, ये भी है नजदीक है, ढका हुआ। अच्छा, ये सारा कवर्ड, कवर्ड ड्रेनेज, ये कवर्ड ड्रेनेज है। 10% खुदाई से 700 कुएं मिले हैं। 700 कुएं मिले, 700 और 750 कुएं में छोटा कुआं ये मिला है अंदर कमरे में। अच्छा, ये कमरे में छोटा सा कुआं। हाँ, है बाकी वो सारे बड़े कुएं हैं। और ये जमीन ज्यादा ऊंचा भी नहीं है। हाँ जी,
ऊंचे सिर्फ वहाँ थे जो हमें डी के एरिया में थे। अच्छा, बाकी जो दूसरे मिले वो जमीन के लेवल से मिला है सर। अच्छा, बाथरूम है ये, कुआं है ये, बाथरूम से पब्लिक बाथरूम दोनों, ये भी बाथरूम है ये भी बाथरूम, नहीं छोटा है बाथरूम ये, हाँ ये छोटा है। इनका इस तरफ का ड्रेनेज का सिस्टम था। अच्छा, लेकिन वो थोड़ा जमीन में इनका ऐसा स्लोप था जैसे वो गंदगी वगैरह यहाँ ड्रेन थी वहाँ बाहर निकल जाते थे। पब्लिक बाथरूम है? यस, टॉयलेट या बाथरूम? हाँ टॉयलेट बाथरूम। अच्छा, अभी आगे एल एरिया जो कहते हैं उनकी फौजियों की एरिया थी। अच्छा, वो सामने जो एल एरिया है, एल एरिया कहते हैं इनको, वहाँ से लड़ाई की चीजें मिली है। अच्छा, पत्थरों के गोले हैं, खंजर है, भाला है, लेकिन कहते हैं कि इनके पर भी फौज वगैरह नहीं थी, इनके पास हथियार ज्यादा नहीं मिले। ज्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ तो मिले, पत्थरों के गोले हैं, खंजर मिला है, वो भाला मिला है। अच्छा जी, अल्लाह जिस तरह फौज पता नहीं था, किसी शिकार में इस्तेमाल करते थे जहाँ फौज थी, ये तो वाजिया नहीं है क्योंकि इसकी लिखाई नहीं पढ़ सके। अच्छा, नहीं जैसे हथियार मिलते हैं ना, हाँ। जो कि भारी हथियार होते हैं, हाँ। तलवारें होती है, उस तरह की चीजें नहीं मिली? तलवारें वगैरह नहीं मिली है, वो पत्थरों के गोले हैं, हाँ। और वो खंजर है और वो भाले हैं, जैसे जैसे भागे लगाते हैं ना, हाँ। ऐसे भाले हैं, तो शिकार में इस्तेमाल करते थे, हाँ। या किसी और में इस्तेमाल। ये सारा की खुदाई नहीं भी है? हाँ, ये खुदाई नहीं, इसमें ज़मीन में वो भी नज़र आ रहा है ना, ये नमक। ये एल एरिया है? एल एरिया जी। एल से मुराद जिसने डिस्कवर किया? अच्छा, नाम उसका नाम याद नहीं है। हाँ, जो गाड़ी खड़ी की थी ना आपने, हाँ हाँ, वहाँ मस्जिद के साथ ही, गाड़ी के साथ ही मस्जिद। ये एल एरिया आगे, एल एरिया में कौन रहता था? यहाँ से वो बताया तो वो चीज़ें मिली है लड़ाई। अच्छा, लड़ाई की चीज़ें, हथियार वगैरह फौजी। क्या क्या चीज़ें मिली इधर? पत्थरों के गोले, खंजर, वो भाला है जो भागे लगाते हैं, ये चीज़ें मिली है। एल थामा के नाम पे मेरे ख्याल एल थामा। अच्छा, एल थामा था। इधर स्टोर होंगे ज्यादातर रखने के ना, मतलब कमरे होंगे, उसमें हथियार वगैरह रखा होगा। ये क्या चीज बना हुआ है? ये सारा की है, खेल एरिया की। अच्छा, उनके रूम राज के, हाँ हथियार रखने के। इस तरह क्यों बना हुआ ये, कुछ पता है जिस तरह क्यों बना हुआ है? ये जो है तो ये तो फिर हमने ये सब अच्छा, ये दीवार है ना कमरे की। अच्छा अच्छा, इसको सपोर्ट देने के लिए। हाँ जी, फिर ये हमने सपोर्ट दिया है। और ये जो इस तरह के चबूतरे बने हुए, ये क्या चीज है? हाँ, ये पिलर्स हैं ये। जी, ये कितने मंजिला यहाँ पर इमारतें होती थी सर? डबल ट्रिपल फ्लोर। अच्छा, डबल फ्लोर तो है ही है। हाँ, इसलिए जमीन से देखे ना ऊपर, हाँ, तक जा रही है। उनकी दीवारें भी चौड़ी मोटी दीवारें, 6 फुट 7 फुट, कम से कम 3 फुट चौड़ी मोटी दीवारें। अच्छा, जितनी चौड़ी मोटी दीवार होती है ना उतनी वहाँ वो ऊपर दीवार है ना ये? हाँ, ये दीवार है। हाँ, ये तो 3-3.5 फीट है। हाँ, ये ड्रेनेज सिस्टम है। हाँ, ये
ये सामने डस्टबिन है, बोर्ड पे लिखा हुआ है। हाँ, ये हर गली में मिलते हैं, जो बिन की गली है। ये कवर है ड्रेनेज, सारी कवर है, ये यहाँ से कवर आती है। ठीक है, इनका कॉलेज किधर है? ये कॉलेज था, ये वाला। ये इसका बोर्ड लगा हुआ था कहीं? हाँ, वो आगे कोने में वाले कमरे में लगा हुआ। अच्छा, ये पत्थर है, चूने वाला पत्थर है ये भी। ये उसी वक्त का पत्थर है? हाँ, उसी वक्त का। ये हमारे ने लेबोरेटरी में माहिरों ने टेस्ट लिया, चूने वाला पत्थर है। चूना हम आज तक गड्ढों वगैरह में डालते हैं। अच्छा, जरा सी बदबू जो था चूना खत्म करता है, जैसे गंदगी नजर में आए बदबू भी खत्म। ये एक एक चौड़ी मोटी दीवार है, यहाँ चल रही है। ये देखिए, कम से कम 6 फुट की है, अभी हमारे 4 इंच 9 इंच की। ये तो 6 फीट की दीवार है। अभी हमारे 4 इंच 9 इंच की, आधा घंटा लोड सिटिंग हुई थी, सारे पाकिस्तान में जल से जुलूस। इनको इन चीज़ों की जरूरत नहीं होती थी, ये अपने सिस्टम पे आप हवा पे रहते। ये तो ग्रेड इसका, तो मैंने पहले भी देखा, इसकी तस्वीर लेते सही से। में पानी गंदा होता है ना, तो इस तरफ निकालते थे अच्छा पानी, तो वहाँ कुएं से भरते थे ना, इस्तेमाल करते थे। जैसे क्या ना, आज तक भी बरसात वगैरह होती है, इनका वही सिस्टम इस्तेमाल होता है। अच्छा अच्छा, इसका पानी यहीं से निकलता है? वहीं से ही निकल जाता है, जो उनके अपना सिस्टम बने हुए। ये निकासी है गंदे पानी। अच्छा, ये जो ये भी कवर थी ऊपर, ये लकड़ी के निशान है जो सुराख नजर आता है, जैसे ये गैलरी उनकी आने जाने का रास्ता है, और गंदगी वगैरह नजर ना आ जाए, कोई डिस्टर्ब ना भी ना हो जाए। ये सारा जो इसका पानी का ड्रेनेज का सिस्टम है। ये ड्रेनेज का, ये अनाज का गोदाम है। तो अपर एरिया में था गोदाम? हाँ, यहाँ का जो गंदम मिली है। अच्छा, कमरों से? अच्छा, इन कमरों से गंदम मिली है, कोयले की शिकल में है, पता लगता है गंदम का दाना है। ये नाम दिया का कोई गोदाम था, ये हवाओं के क्रॉस रखे हुए, जितनी हवा लगती है ना अनाज को, उतना साफ सुथरा टाइम उनका ज्यादा आता है। अच्छा अच्छा अच्छा, ये सारा ये हवाओं के क्रॉस रखे। जैसे आप ताजी सब्जी ताजा फ्रूट लाएंगे, 1 घंटे से बंद रखेंगे, बदबू करेंगे। हाँ हाँ, वो चीज़ खुली रखेगी हवा पे तो 8 दिन भी चल सकती है। ठीक, तो ये इसके लिए क्रॉस रखा है। हाँ, हवा के क्रॉस से पूरी तस्वीर भी आता है, मोहनजोदड़ो का हमारी किताबों में कहानी भी यहाँ से भी हुई इनका। ये सारा इनका इंतजार मजहबी कहलाता है, व्यापार एरिया ना। हाँ, यहाँ इनका कोई मकान नहीं मिला है। बाकी ये जो ऊपर वाला ऐसा है स्टूपा वाला, ये कहते हैं मोहनजोदड़ो से 1600 साल बाद का है। हाँ, ये बाद में स्टूपा बना था। ये बुद्धिस्ट लोग आए थे, उनके टीले के ऊपर आके उन्होंने अपना इबादत का निशान बनाया। बाकी ये सारा नीचे 4,000-5,500 साल कहते थे पुराना। और इसी एरिया में इनके वाशरूम्स मिले हैं एक ही ग्राउंड पे, बाकी जो रूम थे वो देखा आपने अटैच। हाँ, अटैच था। हाँ, ये क्योंकि इनकी इंतजाई मस्जिद भी था, यहाँ इनका कोई घर मकान नहीं मिला है, इसलिए इनका 5-6 वाशरूम से अलग अलग वाशरूम बने, एक ही ग्राउंड पे है। अच्छा, जैसे पब्लिक वाशरूम होते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा, और इनके दरवाजे भी ऐसे नमूने पे है, खुला ही रहे फिर भी सब ये पर्दा है। पर्दा है, अच्छा अच्छा, ये वाशरूम है ये? हाँ, सारे देवड़ी के हिसाब से बने कर रहा है, ये सारे वाशरूम्स हैं। सारे वॉशरूम्स हैं। भाई ये क्या है बाबा, क्या सिस्टम है? हाँ जी, ये क्या वो क्या सिस्टम है? ये क्या सिस्टम? ये आपको कोई ड्रिल वगैरह तो नहीं ना? ड्रोन? नहीं नहीं, ये वो है स्टैंड है, परमिशन होती है इसलिए लेके वो लेके आए हुए हैं सारा। वो ऊपर हमारी टीम, हाँ हमारी टीम ऊपर है, बाकी सब कौन है? कोई यहाँ का उनके साथ लोग? हाँ हाँ, सारे कोई है उधर के, सुमर साहब के बुलाया है। सुमर साहब नहीं है,
क्योंकि ये परमिशन हम छोटे मुलाजिम है ना, फिर हमारे लिए मसला आपका फर्ज बनता है। आप तो ऐसे मेहमान है हमारे बड़े भाई, ये तो जो 700 कुएं मिले। अच्छा ये जो वो तो गोल, गोल थे, ये बेजवी शक्ल का, बेजवी शक्ल का है, इसी में हमारे माहिरों का अंदाजा है। हाँ। इसीलिए सेपल बनाया क्योंकि आगे गली थी, इस तरफ हाँ। कमरा था, ग्राउंड हाँ। नहीं था जो बढ़ा करके बनाए। अच्छा, इस वजह से सेपल बनाया जैसे दो तीन आदमी इकट्ठे पानी भरे। अच्छा, नहीं अच्छा, तो छोटा अच्छा। बनता था तो मटके वगैरह भरने में टकराते, टूट जाते थे। अच्छा, इसलिए और इसलिए सेपल बनाया जैसे दो तीन आदमी इकट्ठे पानी भरे। ओवल शेप, हाँ, ये जो ईटू का ग्राउंड बना हुआ मिला है वहां से मटके मिले थे। अच्छा, ये लोग भरे वहां रखते थे, बाथरूम वालों की जरूरत पड़ती तो वो भी वहां से उठा के इस्तेमाल करते थे। जैसे अर्ज किया ये कॉलेज था इनका। अच्छा, ये कॉलेज वालों को भी जरूरत पड़ती तो वो भी पानी वहां से उठा के इस्तेमाल करते थे। अच्छा, सही सही। वो बोर्ड रखा हुआ है वहाँ पे, लिखा हुआ है उसमें कमरे में लगा हुआ। अच्छा, वो कॉलेज। हाँ, कॉलेज का एक तस्वीर लेके आ जाओ। बस हो गया ना पूरा? हाँ, पूरा।